नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्वन परिहार और आज हमारा नया टॉपिक है जिसका नाम है एम्फेटिक सेंटेंस। एम्फेटिक सेंटेंस का मतलब होता है किसी सेंटेंस को एम्फेसाइज करना या सेंटेंस पर जोर देना। जैसे अपन सिंपल सेंटेंस देखें, वह क्रिकेट खेलता है, कैसे बनेगा? ही प्लेज क्रिकेट। बट अगर इसी सेंटेंस को अपन एम्फेसाइज कर दें, कैसे? वह क्रिकेट खेलता तो है, तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डू या डज, अगर प्रेजेंट का सेंटेंस है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर यही सेंटेंस पास्ट का रहे, सब्जेक्ट प्लस डेड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे हमने सेंटेंस देखा है, वह क्रिकेट खेलता तो है, सेंटेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो क्या बनेगा? ही डज प्ले क्रिकेट। डज क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पर एम्फेसाइज हो रहा है। क्या बता रहा है? एम्फेसाइज कहाँ से हो रहा है? तो लगा हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, हम अंग्रेजी बोलते तो हैं, वी डू स्पीक इंग्लिश। अगर हम इसी को पास्ट में बोले, हम अंग्रेजी बोलते तो थे, क्या बन जाएगा? वी डिड स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मेरा भाई मुझे पढ़ाता तो है, माई ब्रदर डज टीच मी। अगर इसी को पास्ट में बोले, मेरा भाई मुझे पढ़ाता तो था, माई ब्रदर डिड टीच मी। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम रोज पढ़ाई करते तो हो, यू डू स्टडी डेली। इसको पास्ट में बोले, तुम रोज पढ़ाई करते तो थे, यू डिड स्टडी डेली। अगला देखते हैं स्ट्रक्चर, वह मेरी मदद करता तो है लेकिन अनिच्छा से। कौन सा सेंटेंस जा रहा है? तो है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो कैसे बनेगा? ही डज हेल्प मी बट रिलेक्टेंटली। रिलेक्टेंटली मतलब होता है अनिच्छा से या बेमन से। अगला सेंटेंस देखते हैं, मैंने उसे आमंत्रित किया तो था लेकिन वह आई नहीं। कौन सा सेंटेंस है? पास्ट का, तो क्या बन जाएगा? आई डिड इनवाइट हर बट सी डिडंट कम। ठीक है, ये हो गया एम्फेटिक, अपना सेंटेंस कंप्लीट। एम्फेटिक मतलब सेंटेंस में जोर देना। ठीक है, थैंक यू।